जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा नाम शिवानी है और मैं छतरपुर में ही रहती हूँ। और ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं, बट जो गुरु जी बुलवाएं, जैसे गुरु जी की इच्छा। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी अपने गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन कब से है और मैं छतरपुर में ही रहती हूँ, देखिए। और 24 साल हो गए मेरी शादी को। और गुरुजी के बारे में मुझे पता था क्योंकि मैं गाड़ियों पे आते जाते सब जगह देखती थी, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी जाती थी इनफैक्ट। और मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि एक ही गुरु के पीछे लगो, क्या ये गुरु जी के भागते रहते हो पीछे पीछे आप लोग सब। माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था क्योंकि मुझे पता ही कुछ नहीं था। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे तो कब से कनेक्ट किया हुआ है। आज मुझे फील होता है कि मैं लक्की हूँ कि मैं छतरपुर में रहती हूँ और गुरु जी का दरबार बिल्कुल मेरे घर के पास है। और अनलक्की भी रही 24 साल से कि पास होते हुए भी मैं इतनी दूर रही उनसे। और गुरुजी ने तो कनेक्शन ऐसे बनाया है मुझसे जैसे जन्म जन्मों का रिश्ता है उनसे मेरा, क्योंकि मैं उन्हें अपना बिल्कुल, मेरे पापा हैं वो, अब मैं उन्हें गुरुपा बोलती हूँ। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। एक्चुअली हम चार बहनें हैं और एक भाई हैं और मैं शाहदरा से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पापा अभी सेवेंथ मई 2023 को एक्सपायर हुए हैं। और उससे 15 दिन पहले मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था और हम लोग बाहर थे, दिल्ली में नहीं थे। इनफैक्ट चारों बहनें नहीं थी, भाई भी नहीं था, मम्मी पापा अकेले थे घर पे। और मेरी मम्मी इतनी सीधी है, उन्होंने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है, तो वो भी इतना गुरु जी को नहीं मानती है, वो गफाई गुरु जी को बहुत मानती है और बहुत सीधी है। जैसे होता ना, एक देवी होती है, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा बोल दिया तो बस हाथ जोड़ देने आगे से, तो वैसे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऐसा नहीं है, हम लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई कुछ कहता है तो हम नहीं सुनते हैं। तो पापा को 7 मई से 15 दिन पहले पैरालाइज अटैक आता है। जिस दिन अटैक आया था उनको, उससे एक रात पहले 11 बजे मेरी पापा से मेरी बात हुई है, बिल्कुल ठीक थे। सुबह मम्मी का फोन आता है, मेरी बुआ का फोन आता है कि पापा को पैरालाइज अटैक आ गया। हम ऑन द वे थे, हम सीधा हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा पापा की हालत बहुत खराब थी। और पापा, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ तो पापा का मुझसे बहुत अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। मतलब इतना अटैचमेंट था कि मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ। बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ना, माफ करना संगत जी, थोड़ा रोना आ रहा है गुरु जी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा ना, मेरे पापा बोल पा रहे थे ना ही, उनका कोई सीधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो मेरे को देख के बहुत रोए, मैं भी देख के बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गई उनको। फिर वो 15 दिन तक उसी हॉस्पिटल में रहे, दिलशाद गार्डन में हॉस्पिटल है, वहीं पे ही एडमिट रहे। पर वो बोल नहीं पाए, क्या उनके मन में था क्या नहीं था, कुछ नहीं बोल पाए वो कभी। फिर आईसीयू में एडमिट हो गए, फिर वहां पे वो, माफ करना गुरु जी। तो 10 दिन बाद, मतलब हॉस्पिटल में 10 दिन रहने के बाद, मेरी एक कजन सिस्टर है गीतांजलि, मेरी ताई जी की बेटी, उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि शिवानी, तुम्हारे गुरुजी का जो मंदिर है ना छतरपुर में, उनका जल पिलाओ अपने पापा को, शायद चाचा ठीक हो जाए। मैंने बोला ठीक है। मैं तो नहीं मानती थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उस समय तो पापा की सिचुएशन ऐसी थी, जो जैसे कह रहा था वैसे ही हम लोग कर रहे थे। तो मैंने अपने बेटे को फोन किया, तो मैंने बोला, मेरे बेटे का नाम युवराज है, मैंने बोला युवराज, मासी ने बोला है कि नाना को ना गुरुजी का जल पिलाना है, तो तुम ले आओगे जाके? हमारी ही बिल्डिंग में एक अनीता आंटी जी रहती हैं, गुरुजी उन पर अपनी मेहर रखना, गीतांजलि बेबी जिन्होंने जुड़वाया है मुझे, लख लख शुक्राना उनका भी।
तो वो मेरे बेटे को लेके मंदिर गई, उनसे भी मेरी बात होती रही काफी टाइम तक। आंटी ने मुझे बताया कि मैं युवराज को ले गई। वो जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, शुक्रवार का दिन था, तो आंटी जी कहने लगे बहुत संगत होती है वहां पर, बहुत रश होता है। तो मैं मन में सोच रही थी, आंटी जी मुझे बता रही थी कि मैं ये सोच रही थी मैं युवराज को लेके जा तो रही हूँ लेकिन वहां रश ना हो, कहीं दोबारा आए ना। लेकिन वो जब वो गई वहां पे, जब युवराज ने एंट्री करी मंदिर में, जल लिया, मतलब जब वो दरबार में पहुंचा, तो मुझे आंटी जी ने बताया कि युवराज इतना रोया वहां पे स्वरूप को देख के, उसका मतलब मन भराया वहां पे। उस दिन से लेके आज का दिन है, युवराज गुरु जी को बहुत मानता है, बहुत ही मानता है। मेरा कनेक्शन तब भी नहीं था लेकिन मेरे पास मैसेज आते थे, मेरे पास मैसेज आते थे गुरु जी के। और मेरे हस्बैंड संजय आहूजा नाम है उनका, वो मुझे डैडी की डेथ के बाद उन्होंने मुझे दिखाया गुरु जी के मैसेज, उनको भी आ रहे थे पर मैंने इतना गौर नहीं किया। वो मान रहे थे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनके ताया जी के बेटे थोड़ा इन्वॉल्व हैं गुरु जी के साथ, कनेक्शन है उनका। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मानते हो ठीक है। लेकिन जब मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ, जब मैंने जल भी लाया उनको, आया मेरे पास, और जब पापा चले, मतलब 10 दिन के बाद जब हमने उनको जल दिया, और 7 मई को पापा मेरे एक्सपायर हो गए। उसके बाद सब कुछ हुआ, क्रिया हुई, हम लोग यहाँ रहे, फिर मैं अपने घर चली गई। जैसे सबको घर जाना ही है, संगत जी आपको पता है लाइफ है, स्कूल है, बच्चों का जॉब है, अपनी नॉर्मल लाइफ में आना बड़ा मुश्किल हुआ। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी अब आप चलो एक बार गुरुजी बड़े मंदिर, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने नहीं गई मैं तब भी। फिर जब युवराज को मैंने देखा ना, हर फ्राइडे वो जा रहा था, तो एक दिन मेरा मन भी हुआ, मैं खुद ही चली गई। मैंने बोला आज मैं जाती हूँ बड़े मंदिर, मैंने बाइक बुक करी और मैं बड़े मंदिर चली गई। संगत जी, मैं जैसे ही बड़े मंदिर पहुंची, नहीं हुआ कुछ मुझे ऐसा कुछ भी। मैं धीरे धीरे जब अंदर एंट्री करी मैंने, जब मैं दरबार में पहुंची, जब मैं वहां बैठी बाहर, मतलब मुझे इतना रोना आया, पता नहीं मेरा कब से कनेक्शन है गुरु जी से। और उस दिन से लेके आज का दिन है, कोई दिन ऐसा नहीं है, मैं गुरु जी को हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड उनको याद करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने पापा को उन्हीं में देखती हूँ, मैं याद करती हूँ पापा के घर। और ये सत्संग संगत जी मैं अपने पापा के घर बैठ के ही कर रही हूँ आज। बहुत टाइम से गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर रही थी। गुरुजी माफ करना मुझे, मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, कैसा मैं बोल रही हूँ, कैसा मैं कर रही हूँ। माफ करना गुरुजी महाराज, माफ करना संगत जी अगर कोई गलती हो रही हो तो। उसके बाद गुरुजी से मेरा कनेक्शन शुरू हो गया, बन गया, मतलब मैं इतनी कनेक्ट हो गई उनसे। पूजा तो मैं शुरू से ही करती हूँ संगत जी, शादी से पहले मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी। मैं शिव जी भगवान को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। जब मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि कहीं मैं साईं बाबा को इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ, कहीं साईं बाबा जी को मैं इग्नोर तो नहीं कर रही, मेरे गुरु, मेरे साईं बाबा मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, कहीं कोई ये बोले कि इन्होंने अपना गुरु जी की तरफ लग गई है, साईं बाबा को छोड़ दिया है, भगवान को ही चेंज कर लिया अपने इस नीड के अकॉर्डिंग, जैसे लोग करते हैं बातें। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे पता लगा गुरु जी तो शिव जी का अवतार है, साईं बाबा, माता रानी, राम जी, है ना, कृष्ण जी, सब गुरु जी हैं। आज मैं सबको बताती हूँ, अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, और मेरी बहनें मुझे बोलती तुम फोर्स मत करा करो किसी को, जिसका मन हुआ वो मानेगा। लेकिन मैं गुरुजी की सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो ब्लेसिंग मुझे मिली है ना, वो पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को मिले, मेरी बहनों को भी मिले, मेरी बहन भाई भी जुड़े, मेरी मम्मी भी कनेक्ट हों गुरुजी से, उनको भी ब्लेसिंग मिले, ठीक हो जाए। गुरुजी, संगत जी, मेरी गुरुजी से एक अरदास है कि मेरी मम्मी बहुत परेशान है, मेरी मम्मी आज तक वापस नहीं आ पाई उस दर्द से, बहुत बीमार रहती हैं, बहुत ही बीमार रहती हैं, ना खाना खा पाती है ठीक से, पापा को हर पल हर मिनट वो याद करती है। मैं यहाँ आती हूँ, आती तो हूँ, एक्चुअली मेरे चोट लगी हुई है तो मुझे हर हफ्ते आना पड़ता है पट्टी कराने के लिए, लेकिन मम्मी के पास आती हूँ तो उनको देख के मेरा मन बहुत बहुत परेशान होता है। और इधर पापा की जो फोटो लगी है ना, उनको देख के तो मेरा मन और ऐसा होता है कि मैं पता नहीं क्या ही बोलूँ आपको, सॉरी संगत जी। एक चीज और बताना चाहूंगी,
एक्चुअली मैं जॉब भी करती रही हूँ, अभी मेरा खुद का बिजनेस है गुरुजी महाराज की कृपा से। मेरा खुद का DSA है, मैं बैंकर हूँ और मैं लोन्स का काम करती हूँ। और मेरा ऑफिस वैशाली गाजियाबाद में है और मैं रहती छतरपुर में हूँ। तो मेरे पापा शाहदरा में रहते हैं, मिड में है, मतलब वैशाली से पहले मेरे पापा का घर पास पड़ता है। तो मेरे पापा मुझे बहुत बुलाते थे, जिस मेरी नन मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो दिशा गार्डन रहती है, मेरी सिस्टर एक राजनगर रहती है, तो मैं कभी कभी वहां चली जाया करती थी मिलने के लिए। मैं पापा के पास नहीं आती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी गुरु जी, झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, मैं नहीं आती थी इधर। पता नहीं क्यों नहीं आती थी, नहीं पता, शायद थोड़ा बिजी शेड्यूल था। कभी कभी पापा से नाराजगी भी हो जाती थी, वैसे पापा और मम्मी की बहस हो गई या मेरे भाई को डांट दिया, तो मैं अपने पापा को ही समझाती थी। मैं सोचती थी इनके घर जाती हूँ ना, दो ही लड़ाई करते हैं आपस में, तो मैं नहीं जाऊंगी। फोन पे बात कर लेती थी, लेकिन मेरे पापा मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझसे पूछते थे, मुझे आज बहुत याद आती है उनकी बातें। मैं बहुत रोती भी हूं यहां पर आके। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मेरे पापा मुझे बहुत बुलाते थे, मैं नहीं आती थी। तो मुझसे पूछते थे कि तुम नाराज है मेरे से, तू यहां नहीं आती। और एक दिन जाने से थोड़े दिन पहले मुझसे फोन पे उन्होंने बात करी थी, तो मुझे बोला था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आती, जब मैं जाऊंगा तब तो आएगी ना 13 दिन के लिए। गुरु जी माफ करना संकेत जी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ मैं, बहुत रोना आ रहा है याद करके, नहीं पता था कि बात सच हो जाएगी। और आज देखिए, हर हफ्ते मैं यहाँ आती हूँ, सब कुछ वैसा ही, बस पापा नहीं है यहाँ पर। माफ करना गुरु, माफ करना संगत जी। और एक बात और भी है, मैं कहना चाहूंगी, जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया कि माँ बाप की जगह ना कोई नहीं ले सकता। आप कितना भी अच्छा बन जाओ अपने ससुराल में, वो जगह नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलती। और मेरे इन-लॉज संगत जी बहुत अच्छे हैं, मेरे मदर इन-लॉ बहुत ही अच्छे हैं। दो बच्चे हैं मेरे, बेटा मेरा 22 साल का है, बेटी मेरी 12 साल की है। बेटा मेरा जॉब करता है और बेटी मेरी 9th स्टैंडर्ड में है। और मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ मैं रहती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हूँ। तो मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। तो ये मेरा कनेक्शन गुरुजी से ऐसे हुआ, मेरे पापा जैसे ही गए मई में, गुरुजी से सेम मंथ वेरी नेक्स्ट मंथ मेरा कनेक्शन हुआ। मुझे जैसे मेरे पापा गए, मुझे मेरे गुरुपा मिल गए। गुरुजी को पता था कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी, गुरुजी ने मुझे ऐसे बड़े प्यार से संभाला, मुझे बेटी की तरह सारा प्यार दिया। एक चीज और संगत जी, मुझे ना गुरुजी का स्वरूप मिला, मेरी जो अनीता आंटी जो मैं बता रही थी हमारी बिल्डिंग में रहती है ना, उन्होंने मुझे दिया, मुझे नहीं दिया मतलब मेरे हस्बैंड को दिया था, और एक मेरे बेटे को बड़े मंदिर से मिला। मैंने झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने स्वरूप का मैंने ऐसे ही रख दिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने रख दिया ड्राइंग रूम में और कॉर्नर पे, ऐसे वो खुद ही पूजा करते रहे। पूजा मैं करती थी घर पे, लेकिन हाँ जैसे जल्दी जल्दी हम करते ना ऑफिस जा रहे हैं, जो जला दी, मत्था टेक लिया, कभी नहीं टेका, तो पूजा पाठ में ध्यान करती हूँ, लेकिन ऑफिस की वजह से मैं इतना नहीं कर पा रही थी, मतलब जो जला दी कभी नहीं जलाई। और मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान से करते थे पूजा वूजा, करते हैं आज भी, मानते हैं बहुत गुरुजी को, बहुत मानते हैं वो भी। तो एक दिन मेरे पास मैसेज आता है यूट्यूब पे, क्योंकि ड्राइंग रूम में आपको पता है सब लोग रात में लाइट बंद कर देते हैं, और गुरुजी का स्वरूप हमने ऐसे ही रख दिया, मेरे हस्बैंड फ्रेम करा के लाए, उन्होंने रखा, वो जो जलाते थे तो उनके आगे धूप की बत्ती करते थे। मैं भी हर टाइम मत्था टेक लेती थी, कभी नहीं टेकती थी, क्योंकि मेरा कनेक्शन था, लेकिन ठीक है वैसा नहीं था, माफ करना गुरुजी। तो मेरे पास एक दिन मैसेज आता है कि पुत्र मैनू अंधेरे बिच रखे हुआ है तुसी, ऐसा करके, एग्जैक्ट मैसेज नहीं पता, मतलब उनका मतलब था कि मैंने उनको अंधेरे में रखा है क्योंकि लाइट बंद रहती है। वो मेरा पहला था जब मैंने गुरुजी को वहां से, मतलब उनका विराजमान किया था जहां मेरे हस्बैंड ने, वहां से मैंने उनका स्वरूप उठाया। मैंने अपने बेटे के कमरे में एक स्टडी टेबल है वहां पे साफ करके एक छोटा सा स्वरूप वहां रखा,
वहां पे मैंने धीरे धीरे पूजा करनी शुरू करी। जैसे जैसे मैं पूजा करती चली गई, थोड़ा मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ और लगता चला गया। यूट्यूब पे सत्संग आने लगे, मैं सुनने लगी, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई। अमृत वेला क्या होता है, कैसे अमृत वेला की वडियाई करते हैं सब लोग, या मैंने सुनना शुरू किया। जाओ अमृत वेला सुबह रिंकू वीर जी का आता है 2 घंटे का, वो मैं सुनती हूँ कभी कभी। तो मैंने पूजा शुरू करी गुरु जी की, सारा पाठ वाठ मैं नॉर्मल अपना करती रही, सुबह चंदन का टीका लगाया। जैसे जैसे यूट्यूब से मैं सत्संग से सीखती गई, मैं उसको फॉलो करते करते आज मैं गुरु जी का, मेरे घर में 3 स्वरूप है। मैं सुबह जितना हो सकता है जल्दी उठ के पाठ पूजा करती हूँ, स्वरूप साफ करती हूँ। पहले मैं साफ नहीं करती तो मुझे मैसेज आता, पुत्र मेरे स्वरूप नो साफ रखा कर, तो मैं ये भी फॉलो किया। मैं फिर डेली साफ करती हूँ, पूजा करती हूँ। जैसे जैसे गुरु जी के मैसेज मुझे फ्लैश होते गए, मेरी सिचुएशन से रिलेटेड मेरा विश्वास और बढ़ता चला गया। और संगत जी एक चीज और बताना चाहूंगी, गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, जिसकी मैं जितनी मर्जी शुक्राना करूं ना, शायद मैं इस जन्म के अगले 7 जन्म भी लूंगी ना तो वो कम पड़ेंगे। इतना मुझे प्यार दिया है गुरु जी ने, इतना मुझे ब्लेस किया है गुरु जी ने मेरे मेरी घर में। मैं रोज भोग लगाती हूँ गुरु जी को, चाय प्रसाद बनाती हूँ, संडे और वीरवार को मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, और मैं रात को खाना भी देती हूँ, मतलब भोग लगाती हूँ उनको। तो मुझे डेली मेरी, आप बिलीव करना संगत जी, डेली मेरी जो मैं प्रसाद बनाती हूँ मुझे ओम के दर्शन होते हैं। और जिस दिन मुझे ओम के दर्शन नहीं होते, मैं गुरु जी से पूछती हूँ, गुरु जी आप मुझसे नाराज हो, आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। गुरु जी मुझे डेली, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं इतनी अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरा बाप है, मेरे पापा हैं गुरु जी। मतलब मैं अपने पापा को याद करती हूँ, आज भी याद आती है मुझे यहाँ पर आके भी, घर पे भी, लेकिन मैं गुरु जी में अपने फादर को देखती हूँ। मुझे उस उतना ही प्यार मिला है, उतना ही मुझे मिला है सब कुछ जो शायद मेरे पापा मुझे करते थे। बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मुझसे। और सत्संग जी, मेरे घर के बाहर बालकनी में मुझे जैसे गुरु जी का मैसेज आने लगा यूट्यूब पे, मैं पुत्र मोर विच दर्शन दवांगा, कबूतर रूप भी दर्शन दवांगा, तो मुझे दर्शन होते हैं डेली, मोर दर्शन मुझे डेली हुए हैं, अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे डेली मोर दर्शन कबूतर में, कबूतर के रूप में दर्शन मुझे डेली होते हैं गुरु जी के। मैं घर से बोल के निकलती हूँ आज भी कि गुरु जी मैं जा रही हूँ, साथ चलो। और संगत जी आप बिलीव करना, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे हर गाड़ी, मतलब गाड़ियों पे गुरु जी 7 नंबर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, महाकाल लिखा हुआ कहीं, ओम नमः शिवाय, कहीं शिव जी की स्वरूप, मतलब मुझे गुरु जी एहसास कराते हैं, पुत्र तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल मेरे साथ हैं। ऑफिस से निकलती हूँ, मुझे गुरु जी का मुझे गाड़ी में दिखता है ना, ब्लेसिंग ऑलवेज दिख जाता है। और नहीं दिखता है ना जिसने, तो मैं पूछती हूँ, गुरु जी आप नाराज हो? लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं कि गुरु जी ने मुझे ना मिले, मेरे गुरु जी ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं आज तक। शायद मैं फिर भी भूल जाती हूँ बहुत सारी चीजें कई बार, पर वो मुझे कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते, मतलब विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड, मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं वो, हर पल मेरे साथ है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, 10 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, और गुरु जी की कृपा से मेरी बेटी का बर्थडे भी सेम डे होता है। तो ये मेरी पापा की डेथ जैसे 7 मई को हुई थी, तो ये मेरा पापा के जाने के बाद पहला बर्थडे था 10 तारीख को। मैं बड़ी ही उदास थी क्योंकि पापा का फोन सबसे पहले आता था रात को, मैं बहुत मिस कर रही थी कि पापा नहीं है मेरे इस बार। पर गुरु जी ने देखो मेरे को कैसे ब्लेस किया संगत जी, 10 तारीख को एक सत्संग था, मैं सत्संग पे गई, मेरी बेटी नहीं गई थी, मैं गई थी। संगत जी जैसे ही मैं सत्संग में जाके बैठी, जिनके घर संगत था उन्होंने मुझे पहले वो ब्रेसलेट दिया, मैं वही ब्लेस, मतलब पहले ब्लेसिंग तो यही थी मेरे को, ब्लेसिंग गुरुजी रोज ही देते हैं तो हमेशा मेरे साथ हैं, इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग होगी मेरे पास कि गुरुजी मेरे साथ हैं। वहां मैं पहुंची, मुझे जाते ही वो उन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया, मेरे बर्थडे गिफ्ट तो मुझे वही मिल गया, सत्संग एंट्री में ही मिल गया, एंट्री हो गई, वही मेरा ब्लेस हो गई मैं तो। उसके बाद मुझे वो
ब्रेसलेट दिया आंटी जी ने, मैंने वो बहुत इतना शुक्राना किया मनी मन मन का, गुरु जी थैंक यू सो मच, आप सत्संग में भी बुलाया मुझे और मुझे गिफ्ट भी दे दिया आपने। उसके बाद जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, सत्संग पूरा अटेंड किया, वहां पे एक आंटी जी हैं, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे उनका, प्रकाश अंकल हैं जो हमारे यहाँ सत्संग कराते हैं, उनकी वाइफ, तो उन्होंने उनके उनके हाथ में ब्रेसलेट था, तो उन्होंने अपने हाथ से उतार के मुझे ब्रेसलेट दे दिया कि शिवानी ये ना तुम अपनी बेटी को दे देना, मेरी तरफ से गुरु जी का ब्लेसिंग है ये। मैंने कहा गुरु जी इतना प्यार, मतलब मुझे भी दे दिया गिफ्ट और बेटी को भी दे दिया आपने, तो दोनों को हमें, चलो जी मैं वहां से चली गई। नॉर्मली क्या करते हैं सत्संग में, जब सत्संग में किसी का बर्थडे होता है तो कुछ होता है, तो प्रकाश अंकल जी हैं वहां पे, वो गुरु जी का माला वगैरह से थोड़ा सा सेलिब्रेट कर देते हैं, माला पहना के गुरु जी का, चरणों से जो माला होती है ना वो वाली। चलो जी मैं उस दिन वापस घर आ गई, मैं उस दिन इतनी खुश कि मैं बस जैसे होता है ना पागल सा घूम रहा बंदा, वैसे ही मैं इतनी खुश हूँ की तरह क्या ही बताऊं आपको, बस इतनी खुश थी मैं। चलिए जी कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वीक की बात है, या 3-4 दिन नहीं याद है मुझे, हाँ नेक्स्ट वीक की बात है, संडे टू संडे की बात है, एक सत्संग और होता है, मैं वहां सत्संग में जाती हूँ, और वहां पर मुझे पता भी नहीं होता, मतलब मेरे को बिल्कुल नॉलेज में नहीं था मेरी, जब सत्संग खत्म होता है, जब सत्संग पूरा हो जाता है, तो मुझे प्रकाश अंकल जी बोलते हैं कि एक सत्संग सुनाना है, मैं भी बैठ गई सुनने के लिए, मैं तो वैसे ही उत्सुक रहती हूँ सत्संग सुनने के लिए किसी ना किसी का। तो उन्होंने बोला कि शिवानी आंटी आपके लिए ही है गुरु जी का, देखो गुरु जी ने आपको फिर से आपको एक ब्लेसिंग दी है, हम उस दिन आपको बिल्कुल रोक नहीं पाए, हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए दरबार में, आज गुरु जी ने दो माला मंगाई है। मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मैं इतना अपने आप को ऐसा मतलब फील हो रहा था मुझे जैसे मेरे डैडी ने मुझे बुला के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया है, पूरी संगत में मुझे उन्होंने माला पहनाई, और मैंने मनी मनी इतना शुक्राना किया गुरु जी का, मैंने कहा गुरुपा इतना प्यार करते हो आप, मुझे हर पल एहसास कराते हो कि मेरे पापा मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हो हमेशा हमेशा मेरे साथ हो गुरुपा, गुरुपा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि क्या ही बताऊँ आपको, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ही प्यार करती हूँ गुरु जी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक चीज और कहना चाहती हूँ संगत जी, मैं गुरु जी से सबके सब संगत जी के सामने, गुरु जी मेरे कोई भी पुराने जितने भी जन्मों की गलतियां मैंने की हैं, जो मैं गलतियां कर चुकी हूँ, जो अनजाने अनजाने मुझसे हुई हैं या जो मुझसे हो रही हैं जिसका मुझे पता ही नहीं, गुरु जी उन सबकी मुझे माफी देना, मुझे सिर्फ गुरु जी नाम देना कि मैं आपके चिंतन में लग जाऊं, बिल्कुल मैं आपका नाम जपूं, मेरे दिमाग में कोई फालतू बातें ना आए, बहुत उल्टी सीधा चलता है मेरे माइंड में, और सत्संग तो इतने हैं संगत जी, मैं मतलब करती जाऊंगी तो टाइम बहुत ही हो जाएगा, सॉरी संगत जी टाइम मैंने वैसे बहुत ऑलरेडी ले लिया है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जो गुरु जी बुलवाना चाहे मैं वही बोलूंगी। और एक चीज और बताती हूँ आपको, गुरु जी इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग भी हंसेंगे। एक दिन क्या होता है, मेरी बेटी का स्कूल होता है नेक्स्ट डे, और रात को हम लोग जैसे यूनिफॉर्म वगैरह हम लोग प्रेस करके रखते हैं, तो मैं तैयारी कर रही थी उसकी, तो उसका स्कूल का एक रिबन था वो नहीं मिल रहा था, और लगाना भी उसने वही था क्योंकि कुछ ड्रेस कोड था उसका, अब वो पूरे घर में हमने ढूंढ लिया, मैंने बोला बेटा मैं नया वाला ले आती हूँ, बोली नहीं मुझे वही चाहिए, और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने गुरु जी को सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा गुरु जी वो रिबन मैं कहाँ ढूंढू छोटा सा, आप बताओ, ये मुझे पागल कर देना इसने, आप बिलीव करना संगत जी, मैंने जैसे ही मैं जाके बेड पे बैठी, मैंने बेड का वो कॉर्नर का एक ड्रॉर वो खोला, वहां रिबन पड़ा था, जय गुरु जी, मैंने कहा गुरु जी आप इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हो, इतना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का, बताइए। और बहुत सारे सत्संग मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली क्या होता है मेरे घर में, मैंने बड़ा मन था मेरा सत्संग कराने का, और 10 तारीख 10 नहीं 10 जनवरी आई थिंक, नहीं पहले हमारा प्लान था 10 दिसंबर को सत्संग करने का, हाँ जी जो मेरा बर्थडे वाला दिन था मेरी बेटी का,
हम डुगरी मंदिर भी गए दिसंबर में, गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया, मैं अपनी फैमिली के साथ बस में डुगरी मंदिर भी गई, अनीता आंटी भी गई, मेरा बेटा नहीं गया था, मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन आई थी सहारनपुर से, वो भी गई थी, तो हम लोग गए। और जिस दिन हम गए, फर्स्ट संडे आई थिंक खुलता है डुगरी, महीने का पहला संडे, राइट, तो वहाँ हम लोग गए। जैसे ही मैं घर पहुंची रात में, तो मुझे पता लगा मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। तो और गुरुजी, सबसे बड़ा संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग देखिए आपका बताती हूँ, मतलब आप बिलीव करना, मैं मम्मी के घर पहुंची, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं पहचाना, मेरी मम्मी बिल्कुल हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे पता नहीं अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। मैं वहीं रुकी, मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि रात भर हम बस में आए, घर पहुंचे रात में लेट नाइट, बहुत डरी हुई थी मैं कि मम्मी ठीक रहे। मैं फिर भी मेट्रो से मैं मम्मी के घर चली गई। मैं जैसे ही मम्मी के यहाँ पहुंची, मैं शाम तक वहां रुकी। मेरे घर में सत्संग के लिए मैंने ब्लेसिंग्स के लिए ब्रेसलेट और वो डिवाइस होता है ना, जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय वाला, जो जो रेगुलर चलता रहता है, वो मेरे पास था। मैंने बोला मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, चलो मैं एक इसमें से ले जाती हूँ। मैंने कहा गुरु जी मैं एक लेके जा रही हूँ, अपनी मम्मी को देके आऊंगी, सत्संग तो 10 तारीख को है, पहले मैं चली जाती हूँ, अभी दे आती हूँ, शायद वहां पे कुछ मतलब पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, मम्मी को तो ठीक रहेगा, मम्मी की तबीयत भी ठीक है, तो मम्मी को बोलाऊंगी कि सुनते रहेंगे। तो मैं वो ले गई, मैंने वहां वो चला दिया जाके। चलो जी कोई बात नहीं, मम्मी मेरी बेड पे लेटी रही, शाम हो गई, मैंने चाय वाय बनाई, सब लोग आने जाते जाते रहे पता करने, मम्मी बोले ही ना कुछ भी, पहचाने भी ना, पता नहीं गैस चढ़ गई दिमाग में, पता नहीं क्या हुआ, नहीं समझ में आया हमें। और संगत जी, आप बिलीव करना, गुरु जी का लख लख शुक्राना जितना करूं उतना कम है। मम्मी, मेरा भाई है, मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता है, वो बहुत सेवा करता है, भगवान गुरु जी उसको सारी खुशियां बख्शे, इतना ऐसा भाई सबको मिले, सबको मिले ऐसा भाई, ऐसा बेटा, इतना प्यारा भाई है मेरा, इतनी सेवा करता है मेरी मम्मी की, इतनी सेवा करता है माँ की, कि मैं क्या बताऊँ, आज के जमाने में नहीं मिलेंगे ऐसे बच्चे, नहीं मिलेंगे सच में संगत जी, नहीं मिलेगा ऐसा बेटा, कोई बहुत अच्छे कर्म करे मेरे माँ बाप ने, जो इतना प्यारा भाई है हमारा गुरु जी। संगत जी, फिर क्या होता है, मम्मी बेड पे लेटी होती है और मैं किचन में होती हूँ, और मम्मी को वॉमिटिंग आती है, मेरा भाई वॉमिट कराता है, मम्मी ने आंखें ऊपर कर ली, बिल्कुल मतलब चली गई एक तरीके से। और आप बिलीव करना, मेरा भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मम्मी आप नहीं जाओगे छोड़ के। मैं आई संगत जी, मैं अंदर जैसे ही आई, मम्मी ने आंखें ऊपर कर ली, मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा गुरु जी डैडी तो चले गए, आप मम्मी को लेके मत जाना गुरु जी, सच में मम्मी को वापस कर दो। बिलीव करना, बिलीव करना संगत जी, मम्मी बेहोश हो गई या चली गई नहीं पता, मेरा भाई गोदी में लेके नीचे स्कूटी पे गया, मेरी चाची का भाई, चाची का बेटा आया हुआ था, मेरी चाची का बेटा आया हुआ था, वो गया लेके स्कूटी पे बिठा के मम्मी को, हम हॉस्पिटल ले गए। हमारे यहाँ है एक इबास हॉस्पिटल, जो मतलब मेंटल हॉस्पिटल जिसे वहाँ बोला जाता है शाहदरा में, तो वहाँ पे सारा दिमाग का इलाज होता है, जिनका भी थोड़ा सा माइंड प्रॉब्लम होती है या कुछ होता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट, मम्मी का पहले वहाँ ट्रीटमेंट हुआ हुआ, मम्मी वहाँ एडमिट हुई हुई है एक बार, वहाँ हम ले गए, उन्होंने हमें वहाँ पे मम्मी का सारा चेक वेक किया, उन्होंने बोला नहीं ये केस हम नहीं लेंगे, आप इन्हें GTB ले जाओ। संगत जी, जैसे ही हम GTB पहुंचे इमरजेंसी में, मैंने अपने सारे भाइयों को फोन कर दिया, कजन ब्रदर है मेरा भाई विकास, वो फटाफट पहुंचा, उसने सारा काम करवाया, इमरजेंसी में मम्मी को एडमिट हुआ, मम्मी को तब तक थोड़ा सा होश था, और आज मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक है, मतलब वैसे बहुत बीमार है, कुछ खा नहीं पाती, मतलब उनको थोड़ी जलन रहती है टॉयलेट वगैरह में, या मुंह में बहुत छाले हुए हैं, उनके खाना नहीं खा पाती हैं, बट आप देखिए मम्मी जाकर वापस आई हैं, ये मेरे गुरु जी ने किया है। मैं सबको यही बोलती हूँ अपने घर में, मैंने कहा गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे मम्मी, हमारी मम्मी को वापस करा है, आप लोगों को गुरु जी को मानना है, शुक्राना करना है, लेकिन तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं बस करती ही रहूँ सारा दिन सारी जिंदगी, तो भी कम है, तो भी कम होगा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक, इतना शुक्राना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए जी कोई बात नहीं, 10 तारीख का सत्संग मैंने कैंसिल कर दिया, और 31 दिसंबर को मेरे घर में सत्संग था, गुरु जी महाराज ने सत्संग किया। और संगत जी,
इतना प्यारा सत्संग था। मैं आपको, अच्छा जी एक चीज और बताना चाहूंगी इस बीच में आपको, सत्संग में क्या है, मेरा घर थोड़ा खराब हो रहा है, दीवारें खराब है। घर मेरा ठीक है वैसे, मतलब स्पेस बहुत है मेरे घर में, लेकिन घर सारा खराब हो रहा है, रेनोवेट कराने वाला हो रहा है। और हम किसी को बुलाते नहीं अपने घर में क्योंकि हमारा घर थोड़ा खराब है। तो बच्चों को आपको पता है आजकल बड़ी शर्म सी लगती है, बच्चे कहाँ मानते हैं। मेरी बेटी भी बोलती रही, मेरा बेटा नहीं माना, बोला करा लो, चलो कोई नहीं। बेटी बोलती थी हम बुलाएंगे लोग क्या कहेंगे, कितना गंदा घर है, सत्संग करा लिया इन्होंने ऐसे घर में, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, आप सबको बुला रहे हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कराऊंगी, गुरु जी महाराज का हुक्म है, जैसे मेरे गुरु जी की इच्छा। हमारी किचन बहुत खराब है, लकड़ी की सारी टूटने को हो रही है, मतलब थोड़ा सा अंदर से तो डर, मुझे भी थोड़ा सा शर्म से लग रही थी, पर कोई बात नहीं, गुरु जी ने बड़ी हिम्मत दी है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम कराएंगे, गुरु जी महाराज जी का हुक्म है तो जरूर कराऊंगी मैं, क्यों नहीं कराएंगे। सत्संग बहुत प्यारा हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, किसी ने घर की तरफ देखा ही नहीं, किसी ने दीवारें, रसोई का अलमारी किसी ने देखी नहीं, दरबार इतना सुंदर सजा था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको वीडियो में कोशिश करूंगी मैं शेयर करूं आपको दरबार की फोटो, इतना सुंदर दरबार लगा था। बल्कि मैंने, मेरी बुआ की बहू आई, मैंने उनसे पूछा बाद में, मैंने कहा मेरा घर इतना खराब हो रहा है, कह रही दीदी हमारी दरबार से निगाह हटेगी तो हम घर देखेंगे ना, आपका दरबार इतना प्यारा था गुरु जी का, हमारी निगाह आपकी दीवारों, तो क्या हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमें तो सिर्फ दरबार दिख रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। इसके ऊपर भी एक सत्संग है, मैंने एक सत्संग सुना था, किसी एक आंटी जी का फोन खो गया था, छतरपुर मंदिर की रेडी पे कहीं भूल गई थी, फ्रूट की रेडी पे, वो मंदिर भी हो आई, और जब वापस देखा तो वो फोन उनका वहीं पड़ा था, क्योंकि किसी को दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ आंटी जी को दिखा। इसका मतलब वो सब उन्होंने, गुरु जी ने कर दिया कि कोई फोन उठा के ना ले जाए, किसी को दिखा ही नहीं। तो ऐसे ही मुझे उस दिन फील हुआ कि गुरु जी ने सारे घर की चीजें छुपा दी, सबकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा दी, जिन्होंने घर की तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दरबार और सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुकी हूँ, मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ, और कोई भी गलती हो गई हो मुझसे गुरु जी, कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, मुझे माफ करना, और गुरु जी बहुत बहुत सॉरी, इतना सॉरी, आपने मुझे बहुत बार बोला सत्संग शेयर करने के लिए, मैंने नहीं किया। उसके पीछे रीजन था कि मैं घर पे अगर सत्संग शेयर करूंगी तो थोड़ा शांति में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ भी आए, और मेरा काम थोड़ा सेल्स का है तो फोन बहुत आते हैं मेरे, अभी भी देखिए 3-4 कॉल्स मैंने डिस्कनेक्ट करी है बीच में। पर मैं मम्मी के घर हूँ आज, मैं पट्टी कराने आई थी, तो मैंने बोला चलो आज मैं सत्संग शेयर करके ही जाऊंगी, गुरु जी का हुक्म आज मैं करके ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डर भी लग रहा है, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग हुई होगी कैसी नहीं हुई होगी, पर कर दिया, आप जैसे भी है गुरु जी देखेंगे। अच्छा संगत जी एक चीज और जाते जाते बताना चाहूंगी विराम देने से पहले, अभी सत्संग से पहले की बात है, सत्संग से 10 दिन पहले एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ आपको। गुरु जी मुझे, मतलब गुरु जी का ही हुक्म है शायद से, गुरु जी बुलवा रहे हैं। मैं ऑफिस, घर से ऑफिस जा रही थी, मेरी ऑफिस 3rd फ्लोर पे है, मैं लिफ्ट से आती जाती हूँ, मैं स्टेयर्स कम चढ़ती हूँ, मुझे सांस चढ़ता है थोड़ा। तो जैसे ही मेन रोड पे हमारे एंट्री करते हैं ऑफिस की, तो स्टेयर्स हैं, और मेरा रूटीन है, मैं मेट्रो में सत्संग या भजन गुरु जी के अलावा मुझे, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, मैं सिर्फ सत्संग और भजन गुरु जी का, सिर्फ गुरु जी सुनती हूँ, और मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं खाली हूं तब भी, मैं घर पे हूं तब भी, कुछ भी सुनो, मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब, बस गुरु जी, सिर्फ गुरु जी रहते हैं मेरे जहन में, मेरे रोम रोम में मेरे गुरु जी बसे हुए हैं, मेरे हर जगह मेरे को मेरे गुरु जी दिखते हैं, कि गुरु जी मेरे साथ हैं, बस गुरु जी हैं तो मेरी जिंदगी है गुरु जी, बस आप गुरु जी मुझे अपने साथ रखना हमेशा, अपनी बेटी का साथ ना छोड़ना आप कभी भी अपनी। और एक चीज और बताना चाहूंगी गुरु जी, संगत जी मैं ना बहुत पागल हूँ, मुझे गुरु जी के कई मैसेज आते हैं, मुझे समझ में नहीं लगते, समझ आते ही नहीं मुझे, इतनी बेवकूफ हूँ मैं। तो मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ, मैं ऑफिस की सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, तो मेरा, मैं गिर गई, मेरे घुटने लग गए दोनों नीचे, तो मुझे लगा आज तो मेरे पैर की हड्डी टूट गई, वो लगा ही इतनी जोर से था, मुझे लगा हड्डी टूट गई, और मैं वहां पे बिल्कुल अकेली। मैंने अपनी टीम में, मेरी टीम है, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला मोहित है मेरी टीम में, मैंने उसको बोला मोहित तू नीचे आ, और मुझे वो ऊपर नीचे आके वो मुझे ऊपर लेके गया, वहां मेरे गुरुजी का मैंने दरबार बनाया हुआ अपने ऑफिस में भी। मैंने बोला गुरुजी मेरा विश्वास नहीं डोला आपसे, ये चोट लगी है ना उसका भी शुक्राना, और बिलीव करेंगे, मैंने अपनी बहन रहती है मेरी वहां पे, मैंने उसके हस्बैंड को बुला के मुझे वो हॉस्पिटल लेके गया, और
डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक्सरे कराओ, मुझे पता था हड्डी हड्डी ना टूटी हो, पर मेरे मन में एक विश्वास था कि हड्डी नहीं टूटी होगी। तो जैसे एक्सरे हुआ उन्होंने बोला हड्डी नहीं टूटी, थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। मैं दवाई लेती रही, मुझे कोई आराम नहीं आया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मेरा डॉक्टर चेंज किया, नहीं लगा। फिर मेरे शाहदरा में एक पहलवान है, वहाँ पे मैंने दिखाया उसको, उसने बोला मांस फट गया, तो आज तक वो पट्टी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरु जी ने मेरे इतना कष्ट, पता नहीं गुरु जी कोई कष्ट ही कटवा रहे हैं, जो ऐसे हल कम में सब कर दिया। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया है उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, इस चोट का भी शुक्राना। जैसे गुरु जी की इच्छा होगी तभी ठीक होगा। बोलती रहती हूँ दर्द होता है, दर्द होता है, बहुत परेशान हो रही हूँ, बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलती, सबको बोलती रहती हूँ, कभी चल नहीं पा रही हूँ, दर्द हो रहा है, बट ठीक है, गुरु जी की इच्छा, गुरु जी की रजा में जो होगा वो ठीक है। तो गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेला नहीं किया। और देखिए मैं चल फिर रही हूँ, ऑफिस भी जा रही हूँ, तो मेरे कहने का मतलब गुरु जी हर पल साथ है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी कहते हैं मांगना नहीं है सिर्फ मानना है, तो मैं मांगती नहीं हूँ उनसे, अब कभी कभी बोल भी देती हूँ, बट हाँ कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ गुरु जी से अरदास करूँ, मांगती नहीं हूँ, जो गुरु जी को ठीक लगे। एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी अपनी रजा में राजी रखना, मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर करे, वो दुख मुझे मंजूर है जो मुझे आपसे जोड़े रखे। बस गुरु जी आप हमेशा साथ रहोगे, मैं सारे कष्ट झेल लूंगी, बस आप साथ रहना। आपको पता है आपकी बेटी क्या चाहती है, बोलने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही मैं बोलूंगी कभी। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप ज्यादा जानते हो। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरु, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी।